गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मधु टिप्स। कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ ब्लैक कुर्ती हॉल। और मैं आपको बता दूँ कि जो ब्लैक कलर होता है ना, वो हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि आप डे में पहन रहे हैं या फिर नाइट में पहन रहे हैं, ये दोनों ही टाइम पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आप थोड़े हेल्दी भी हैं तो भी इसमें आप थोड़ा स्लिम दिखते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट कुर्ती दिखा देती हूँ, और जिसे मैंने बाय किया है मीशो से। तो मुझे ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग पे रिसीव हुआ है, और जिसको मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है। गाइज, मेरी आदत है कि जब भी मुझे कोई भी ऑर्डर मिलता है तो सबसे पहले मैं उसको ओपन करके देख लेती हूँ, क्योंकि अगर मुझे चेंज करना है तो मैं उसको ईजिली तरीके से चेंज कर सकूँ। तो गाइज, मेरी जो फर्स्ट कुर्ती है, इसका जो मटेरियल है वो रियॉन है, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ती है। आप देख सकते हैं ये राउंड नेक पे है, जो इसका नेक है वो फ्रंट का और बैक का दोनों ही राउंड है। आप इसको बैक से भी देख सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डीप नेक पहनना पसंद है तो डीप नेक नहीं है, नॉर्मल नेक है ये, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और आपको नेक में कुछ इस तरीके की पाइपिंग मिल जाएंगी, और साथ में बैक में आपको इस तरीके की ये जिप मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो जिप है ये बहुत नीचे तक नहीं दी गई है, बस थोड़ा सा ही हमको ये जिप दी गई है। और साथ में आपको मैं इसकी स्लीव दिखा देती हूँ। आप इसे गोल्डन या कॉपर बोल सकते हैं, इसमें गोल्डन कलर से थ्रेड वर्क किया गया है, और ये जो थ्रेड वर्क है काफ़ी अच्छे क्लीन तरीके से किया गया है। बैक में भी सेम आपको इस तरीके का ही थ्रेड वर्क दिख जाएगा, एंड ये दोनों स्लीव में सेम इसी तरीके से थ्रेड वर्क किया गया है, और ये फुल स्लीव है। और साथ में आपको यहाँ पे फ्रंट में बस सीक्वेंस से छोटे छोटे सीक्वेंस से आप देख सकते हैं कि वर्क किया गया है, बहुत ही नीटली तरीके से किया गया है। और साथ में मैं इसका फ्लेयर दिखा देती हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेयरी है। ये शायद मेरे कैमरे में भी आपको नहीं दिख पा रहा होगा, आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेयरी है, काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसका। अगर आप इसी को पहन रहे हैं तो इसमें आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि इसमें अंदर की तरफ से कोई भी इनर नहीं दिए गए हैं, एक्चुअली इसमें इनर की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सी थ्रू नहीं है। एंड मैं आपको इसकी सिलाई दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सिलाई की गई है, और साथ में इंटरलॉक भी किया गया है। इसमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है, तो जो भी आपकी साइज है अपने साइज के अकॉर्डिंग आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें मैंने मीडियम साइज ऑर्डर किया था। तो गाइस, ये तो हो गई मेरी फर्स्ट कुर्ती, और ये कुर्ती बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप इसको पार्टी में या फिर छोटे मोटे फंक्शन पे भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ये आपका पूरा लुक चेंज करने वाला है। तो गाइस, मैं आपको अपनी सेकंड कुर्ती दिखा देती हूँ, और ये मुझे रिसीव हुई है सेम इसी तरीके की पैकेजिंग पे, और ये मैंने मीशो से ही बाय किया हुआ है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने फर्स्ट कुर्ती आपको दिखाई है, इसका जो भी प्राइस होगा मैं स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगी, और साथ में इसका जो कोड होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसका जो प्राइस है वो कुछ 677 रुपीज़ है, बट आपको जैसे पता ही होगा कि मीशो में जो भी है डिस्काउंट चलते रहते हैं, तो प्राइस आगे पीछे रहती है। तो प्लीज़ आप जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड चेक करने के बाद आप देख सकते हैं किसी करंट में प्राइस क्या चल रही है। एंड मैं आपको अपनी सेकंड कुर्ती दिखा देती हूँ। सेकंड जो कुर्ती है वो थोड़ी सिंपल सी है, और आप देख सकते हैं ये भी राउंड नेक पे ही है, ऊपर की तरफ से ये पूरी प्लेन है, और आपको ये हाफ स्लीव्स में मिल जाता है। और स्लीव्स में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की प्लास्टिक दी गई है। और गाइस, ये बैक तरफ से भी थोड़ा डॉट डॉट बड़े बड़े डॉट दिए गए हैं, और ये काफ़ी पहनने के बाद में इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आने वाला है। और मैं आपको दिखा, इसका जो फ्लेयर है
वो भी काफी अच्छा है। बट हाँ, जो मैंने फर्स्ट कुर्ती दिखाई है उतना ज्यादा अच्छा फ्लेयर नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा फ्लेयरी है, बट इसका जो फ्लेयर है वो थोड़ा सा उससे कम है। और साथ में मैं इसकी आपको सिलाई दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो सिलाई है काफी अच्छे तरीके से की गई है, साथ में इसमें इंटरलॉक भी किया गया है। और मैं नीचे की सिलाई भी आपको दिखा देती हूँ, नीचे भी काफी अच्छे तरीके से इसमें सिलाई की गई है। और ऐसा नहीं है कि आपने इसको एक या दो बार वेयर किया और आप इसको अगर वॉश करते तो इसकी सिलाई निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये सिलाई इसकी जल्दी से नहीं निकलने वाली। तो गाइस, मैंने इसको एक्सल साइज पे ऑर्डर किया, क्योंकि जब मैंने इसको बाय किया था उस टाइम पे मीडियम साइज अवेलेबल नहीं था। और साथ में जो ये जो दोनों कुर्तियां हैं, इसका जो कोड होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, तो आप वहां से भी इसका जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा सस्ती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी, दोनों कपड़े काफी ज्यादा अच्छे हैं। सेकंड जो कुर्ती है इसकी जो कुछ प्राइस है वो कुछ है 350 या फिर 352। तो गाइस, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसको भी कुर्तियां लेना या फिर मीशो से शॉपिंग करना पसंद है तो उनके साथ में ये शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट तो प्लीज क्या करिए आप लोग, कमेंट करने से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल मिलता है। आज के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।